हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जागृति आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम बनाएंगे स्पैरो हाउस, गौरैया का घर। ये छोटी छोटी चिड़िया होती हैं जो ज़्यादातर घरों में रहती हैं, पर आज के ज़माने में हमारे घर ऐसे बनते हैं कि इसमें इनको रहने की सुविधा नहीं होती है। तो आज हम इनके लिए एक छोटा सा घर बनाएंगे। हम इसके लिए कुछ ऐसे बॉक्सेस का यूज़ करेंगे। हमारे पास पेपर कटर है, सीजर है, फेविकोल है और ये ग्लू गन है। इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हम ये स्पैरो हाउस बनाएंगे। और अगर आप चाहें तो इस तरह से कलर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं ऊपर के इस जो हमारे बॉक्स का ऊपर का पार्ट है उसको इस तरह से कट करके निकाल दूंगी। ये भी आप बाद में इसको डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे के भाग को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए हम उसमें एक परत और लगा दिए हैं। जो हमारा ऊपर का ढक्कन कट के निकला था उसको मैंने नीचे अंदर से ज्वाइन कर दिया। अब साइड के दोनों भाग पे थोड़ा हम उसको छोटा करेंगे काट करके, दोनों की साइज़ बराबर हो, इसलिए एक तरफ जो मैंने कट लगा के निकाला उसी को नाप करके मैं दूसरी साइड भी कट करके इस तरह से निकाल रही हूँ। मेरा ये बॉक्स येल्लो कलर का है इसलिए मैं इस पर कलर पेपर नहीं लगाऊंगी। अगर आप नॉर्मल बॉक्स से बना रहे हैं तो आप उस पर कलर पेपर लगा सकते हैं या डायरेक्ट कलर से कलर कर सकते हैं। अब हमारे बॉक्स में ये जो जितनी इसकी लंबाई है उसके हाफ पे हम इस तरह से पॉइंट बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो हम 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब दोनों साइड से जहाँ से हमने कट किया वहाँ पे निशान लगा के इस तरह से हम इसको पॉइंटेड बना देंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ से हम इसको कट करके अलग कर देंगे। ये छोटी छोटी चिड़िया होती हैं, इन बहुत अच्छे से आवाज़ करती हैं, मुझे इनकी आवाज़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने बालकनी में इनके लिए दाना और पानी भी रखती हूँ। अब मैंने सोचा है कि मैं कुछ इनके छोटे छोटे हाउस बना के रख दूँ तो वो लोग इसमें रहना स्टार्ट करेंगी तो और अच्छा लगेगा, इसलिए अभी मैं इस तरह से स्टार्ट की हूँ। मैं कुछ एक दो और बनाऊँगी और इसको अपने बालकनी में लगाऊँगी। आप देख सकते हैं मैं कुछ इस डिज़ाइन में इसको कट कर ली हूँ। अब एक दूसरे जो है गत्ते का टुकड़ा मैं लेके उसके ऊपर का एक भाग ऐसे मैंने निकाल दिया है और उसके बाद उसको मैं टेरेस की तरह यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत आसानी से ऊपर का निकल जाएगा। देख, आप नॉर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं बट थोड़ा ये देखने में ऐसे लाइनिंग लाइनिंग में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऊपर का निकाल के तब इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया। उनको इस बॉक्स में जाने के लिए डोर जिसको हम लोग बोलते हैं उसके लिए इस तरह से मैं सर्कल कट करूंगी। तो हाँ, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सर्कल कट कर लिया है। इस सर्कल के ऊपर मैं जो है अपने एक कड़े को लगाऊंगी। आप चाहें तो पेपर से भी इसका किनारा चिकना कर सकते हैं, टेप लगा सकते हैं कलरफुल, कुछ भी ऐसा कि जिससे उसका किनारा जो है वो थोड़ा चिकना हो जाए। मैं तो इसमें कड़े को ही फिट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कड़े को इसमें फिट कर दिया है ग्लूगन से चिपका के। नीचे फिर से मैं एक बेस लगा रही हूँ। गौरैया जो होती है स्पैरो, वो छोटी जगह में मैं इसलिए छोटा रखी हूँ जिससे कोई और बड़ा बर्ड्स जैसे क्रो या फिर पीजन इसमें ना जाए, और ये गौरैया के लिए ही रहे स्पैरो के लिए। और गौरैया जब बच्चे देती हैं तो जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो अपने हाउस के बाहर से ही उनके मुंह में दाना डालती हैं, उनको खाना देती हैं, इसलिए हाउस के बाहर उनके बैठने के लिए थोड़ी सी जगह हम लोग को बनानी चाहिए। इसके लिए मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ मैंने निकाल दिया है जिस पे बैठ के वो अपने बच्चों को खाना खिला सके। साइड साइड में मैं छोटे छोटे विंडो बना रही हूँ जिससे थोड़ा इस सर्कल के अलावा भी बाहर के फ्रेश एयर उनको मिल सके। जो मैंने कट करके विंडो बनाया है उसके ऊपर इस तरह से मैं छोटा सा फ्रेम लगा रही हूँ जिससे वो देखने में अच्छा लगे। दोनों साइड मैंने इस तरह से बना दिया है। अभी जो साइड का जगह है उस पर भी मैं उसी के साइज का तख्ती काट के लगा रही हूँ। अगर आप लोग
आप लोग के पास मोटा गत्ते का टुकड़ा हो तो आप वो लगाएंगे, तो आपको इस तरह से डबल नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ा पतला था तो उसको सॉलिड करने के लिए मैंने उसको डबल किया है, जिससे इस पे आसानी से वो बैठ सके। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लकड़ी का एक टुकड़ा भी लगा सकते हैं, जिस पे बैठ के वो आसानी से अपने बच्चों को खाना खिला सके। बस ये रहे कि वो हिलते नहीं रहना चाहिए, सॉलिड अच्छे से आप उसको लगा दीजिए। अब इस तरह से मैं इसको कुछ थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ, जिससे ये देखने में भी अच्छा लगे। तो मेरे पास इस बॉक्स के साइड का जो कटा हुआ भाग था उसी को मैं लगा रही हूँ। आप सिंपल दफ्ती भी काट के लगा सकते हैं, और आप चाहें तो जैसे ये बॉक्स तो येलो कलर का था इसलिए मैंने इस पर कलर पेपर नहीं लगाया, आप इस पर कलर पेपर लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट कलर कर सकते हैं, जैसा आपको बनाना हो इस तरह से बना सकते हैं। हमारे बालकनी में कुछ स्पैरो आते हैं, दाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। सो, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इनके लिए घर बनाया जाए और वो बालकनी में लगाया जाए, जिससे परमानेंटली वो वहाँ पे धीरे धीरे रहने लगे। अब इसके ऊपर मैं कलर कर रही हूँ, क्योंकि ये कलरफुल नहीं था इसलिए मैं इसके ऊपर कलर कर रही हूँ। मैं डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन का शेड ली हूँ और दोनों कलर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से इसको पूरा कलर कर ले रही हूँ। स्पैरो ज़्यादातर घरों में ही रहते हैं, उनको इंसानों के साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन आज के समय में हमारे घर ऐसे होते हैं कि जिसमें उनको रहने की जगह नहीं मिलती, इसलिए इनकी प्रजाति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम लोग बचपन में इसको बहुत देखते थे, पर अब तो गिने चुने ही देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर हमारे घर आते हैं और हम उसको देख पा रहे हैं तो कुछ ऐसा करें कि हमारे बच्चे भी उसको देख सकें आगे भी, तो क्यों ना इनके लिए घोंसले बनाए जाए। मेरा बच्चा बहुत खुश होता है जब वो आती हैं तो बोलता है, मम्मी दाना डाल दो, बर्ड्स आ गई हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से मैं ब्राउन कलर से ही, जो मेरा नीचे का ब्राउन कलर वाला था जो है गत्ता, उसको भी कलर कर रही हूँ। इस तरह से आप जैसे चाहें वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। मैं इस तरह से ब्राउन कलर से ही इसको कलर कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको कलरफुल और ग्रीन है, और आप चाहो तो ग्रीन रेड किसी भी कलर से कलर कर सकते हो, या फिर कलर पेपर लगा सकते हो। अब हमारे पास कुछ बेकार चीज़ें पड़ी हैं जिसको मैं डेकोरेशन में यूज़ करूँगी। इसको कुछ जो है अनयूज सामान है, और कुछ ऐसे हैं जो हम क्राफ्ट में यूज़ करते हैं हमारे पास है, तो उसी के थ्रू मैं इसको धीरे धीरे डेकोरेट करूँगी। थोड़ा पहले मैं ये एक मेरा लैस है उसको लगा रही हूँ। मैं ज़्यादातर ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन ना हो तो आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हो, और लैस को लगाने के लिए आप जो है फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास कुछ छोटे छोटे प्लांट रखे हैं आर्टिफिशियल, उसको मैं लगा रही हूँ ऐसे बीड्स से, जिसको कलर करके वुडन बीड्स से जिसको कलर करके मैं इसमें साइड से लगा दी हूँ, कुछ नेचुरल लुक देने के लिए हल्का सा, जिससे वो थोड़ा अच्छा लगे। आप भी इसी तरह इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ये आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप अपने घर में बालकनी में कहीं लगाएंगे, और इसमें अगर बर्ड्स आके रहेगी उसकी सुबह सुबह जो आवाज़ होती है आपको भी बहुत पसंद आएगी। इस तरह से मैं यहाँ पे भी एक लैस लगा रही हूँ रेड कलर का। एक रेड कलर का लैस मैं ऐसे ऊपर लगाऊंगी। प्लीज़ आप सभी लोग, गर्मियों में बर्ड्स को पानी और दाना नहीं मिल पाता है, तो मैं आप सब लोग से, जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं या फिर मेरे सब्सक्राइबर, मैं सबसे ये बात बोलूँगी, प्लीज़ अपने घरों में छतों पे, बालकनियों में, कहीं जहाँ भी आपको जगह मिले, बर्ड्स के लिए पानी और दाना ज़रूर रखें। वो आज इतनी गर्मी है कि उनको नहीं मिल पाता है, इसलिए अगर हमारे पास है सुविधा तो हम रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया है।
ये मेरे पास एक फ्लावर है जिसको मैं बीच में इस तरह से लगा रही हूँ, फोम फ्लावर है ये। अब आप इसके पीछे की तरफ ऐसे रिबन लगा के इसको टांगने के लिए बना सकते हैं। मेरे पास ये दो प्लास्टिक के पड़े हुए हैं, ये आता है मैंने अपने बच्चे के लिए, हम लोग मंगाते हैं चोकोस, वो छोटे छोटे पैकेट का बंच आता है उसमें जो नेट रहता है उसमें ये लगा रहता है, मैं इसको भी निकाल के रख ली थी और आज मुझे लगा कि मैं रिबन न लगा के इसको लगाती हूँ, ये भी यूज़फुल हो सकता है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसको टांगने के लिए मैं इसको इस पे लगा रही हूँ, ये और थोड़ा अच्छे से मजबूती से चिपक जाए इसलिए इसके ऊपर मैं इस तरह से कट करके रिबन लगा रही हूँ। आप किसी भी तरह से इसको इस तरह से अपने दीवार में फिट कीजिएगा या फिर जहाँ भी फिट कीजिएगा कि ज़्यादा मूवमेंट ना करे, तभी चिड़िया इसमें रहेगी। आप देख सकते हैं हमारा ये बर्ड्स हाउस स्पैरो हाउस रेडी हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ आप लोग दाना और पानी अपने बालकनी और छतों पे रखिए। थैंक यू।